हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर इस टाइप से फेस गोरा एडिटिंग कैसे करेंगे एंड साथ में बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे करेंगे, वो भी इस टाइप से। सो गाइज देखो, तो मैंने स्क्रीन पे किस टाइप से एडिटिंग किया है, सो इस टाइप का एडिटिंग करना बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे। सबसे पहले इस फोटो को शेयर करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में। सो गाइज, लाइट रूम एप्लीकेशन में हम एडिटिंग करने वाला है, फेस को गोरा करने वाले हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने वाले हैं। तो लाइट रूम ऑप्शन में शेयर करने के बाद गाइज, हमें ऊपर से स्क्रॉल करना होगा शेयर कर लेने के बाद, एंड यहाँ से गाइज इंपोर्ट फिनिश का ऑप्शन दिखेगा इस पर, तो इस पर आपको क्लिक कर दीजिएगा तो डायरेक्ट लाइट रूम में आ जाइएगा। तो आने के बाद यहाँ से ऑल फोटो पर क्लिक करना होगा, तो क्लिक करने के बाद अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा जो भी हम शेयर किए थे। सो कर लेते हैं हम सेलेक्ट। तो देख सकते हो गाइज, हमारा ये फोटो है। इस फोटो को हम सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है एंड गाइज फेस को गोरा करना है, तो सिंपली आपको कलर ऑप्शन पे जाना होगा। तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपको कलर ऑप्शन पे जाना होगा एंड यहाँ से मिक्स ऑप्शन पे जाना होगा। एंड गाइज देखो, तो गाइज बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, तो सिंपली ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर एंड येलो कलर है, तो सिंपली आपको ग्रीन कलर पे आना होगा सबसे पहले एंड इसकी सिचुएशन को मैनेज कर देना होगा। तो देख सकते हो गाइज, मैंने सिचुएशन को बढ़ा दिया, तो इस तरह से येलो हो जा रहा है, तो हम सिचुएशन एंड ह्यू को माइनस कर देंगे एंड इसको भी माइनस कर देते हैं एंड यहाँ से गाइज येलो कलर पे आएंगे, इसकी भी सिचुएशन को माइनस कर देंगे एंड ह्यू को भी हम माइनस कर ही देते हैं। तो देख सकते हो गाइज, मैंने ह्यू को भी माइनस कर दिया, तो बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज हो चुका है गाइज, बहुत ही वाइट एंड ब्लैक डार्क हो चुका है। सो सिंपली आपको इस वाला कलर पे आना है एंड इसकी सिचुएशन को बढ़ा देना एंड ह्यू को इतना रहने देना है, तो आप अपने कलर के अकॉर्डिंग रखिएगा एंड गाइज इस वाले कलर पे आना होगा एंड इसकी सिचुएशन को माइनस कर देना होगा। माइनस करने के बाद लेमिनेंस को बढ़ाइएगा, तो आपका फेस बहुत ही अच्छे से गोरा हो जाएगा। देख सकते हो गाइज, मैंने फेस को गोरा किस तरह से कर दिया है, और इसी तरह से आपको भी फेस को गोरा कर लेना है एंड यहाँ से रेड कलर पर आकर के इसकी सिचुएशन को बढ़ा देना है एंड लेमिनेंस को भी हल्का सा बढ़ा देना है, तो इससे आपका फेस और ज़्यादा गोरा हो जाएगा एंड फेस में रेड टोन आ जाएगा। सो इतना कर देते हैं हम अपने फोटो के हिसाब से, सॉरी। तो गाइज इतना करने के बाद येलो कलर का भी हम लेमिनेंस को हल्का सा बढ़ा देते हैं एंड यहाँ से कर देते हैं डन। सो कर लीजिएगा यहाँ से डन, डन का ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे कोने में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड डन हो जाएगा। डन होने के बाद यहाँ से गाइज टेम्परेचर को हल्का सा माइनस कर देते हैं, तो टेम्परेचर को हल्का सा माइनस रखते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो इतना करने के बाद यहाँ से गाइज लाइट वाला ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ से कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देना होगा। कंट्रास्ट को बढ़ाने के बाद गाइज नीचे की ओर आइएगा, तो कंट्रास्ट को हम बढ़ा ही देते हैं, तो इतना रखते हैं 22 के आसपास एंड यहाँ से गाइज हाईलाइट को हल्का सा बढ़ाएंगे, तो शेडो को भी हल्का सा बढ़ा देंगे। तो देख सकते हो गाइज, शेडो को माइनस कर रहे थे, हमारा हेयर ब्लैक हो जा रहा है एंड शेडो को बढ़ा रहे तो हमारा व्हाइट हो जा रहा है, तो शेडो को इतना ही रहने देंगे एंड यहाँ से व्हाइट को बढ़ा करके गाइज यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे। सो इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ से क्लैरिटी बढ़ा देना होगा। क्लैरिटी बढ़ाने के बाद डिटेल वाला ऑप्शन पर जाकर के यहाँ शार्पनिंग को बढ़ा दीजिएगा एंड नीचे की ओर आइएगा, नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन देंगे, उसको भी बढ़ा देना होगा आपको 61 के आसपास एंड यहाँ से ऑप्टिक पर जाकर के इन दोनों को अलाउ कर देना होगा। सो देख सकते हो गाइज, बिफोर एंड आफ्टर किस तरह से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है एंड फेस भी गोरा हो चुका है। सो गाइज, यहाँ से हम शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में, क्योंकि बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए एंड टैटू लगाने के लिए पिक्सआर्ट में आपको शेयर करना होगा। सो गाइज, पिक्सआर्ट में हम आ चुके हैं एंड यहाँ से गाइज इफेक्ट वाला टूल पे जाना होगा, क्योंकि हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है एंड गाइज शॉट का भी कलर चेंज करना चाहते होंगे तो कर लीजिएगा। सिंपली आपको कलर वाला ऑप्शन पर आकर के यहाँ से ह्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस पर फिर से एक बार क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ से अमाउंट को माइनस एंड प्लस कीजिएगा, तो आपका टी शर्ट का कलर चेंज होगा एंड जो भी फेस पे आए होंगे उसको हटाने के लिए आपको इरेज वाला ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना होगा, इन्वर्ट करने के बाद इरेज वाला बस सॉरी गाइस रिजिस्टर वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा एंड अपने कपड़ों पर रजिस्टर कर देना होगा, तो इससे आपका कपड़े का कलर सिर्फ रहेंगे, बैकग्राउंड का कलर एंड फेस पे जो आए होंगे कलर वो हट जाएंगे। सो इस तरह से गाइस आपको पहले रजिस्टर कर लेना होगा अपने कपड़े को, तो हम कर लेते हैं फास्ट। सो देख सकते हो गाइज, मैंने कपड़े पर रजिस्टर कर दिया है, तो यहाँ से एक बार डन करेंगे। सिंपली आपको एक ही बार डन करना होगा, तो एक बार डन करने के बाद यहाँ से गाइज देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छे से अमाउंट को माइनस एंड प्लस कर रहे थे, कलर बदल रहा है, तो इस तरह से आप कलर अपने अकॉर्डिंग रखिएगा एंड यहाँ से हम रख देते हैं इतना एंड डन करते हैं। सो देख सकते हो गाइज, मेरा कलर चेंज हो चुका है शर्ट का, टी शर्ट का। सो सिंपली हम बैकग्राउंड ब्लर करेंगे, फिर से आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाना होगा, नीचे की ओर आपको ब्लर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ से गाइज सेकंड नंबर वाला ब्लर पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइज, हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, थोड़ा सा हम और ब्लर करेंगे इसको, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, ब्लर का स्ट्रेंथ आपको बढ़ा देना होगा। इतना रखने के बाद ऊपर में इरेज ऑप्शन पे जाना होगा एंड गाइज सिंपली हमें इसे बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर देना होगा, तो बैकग्राउंड में ही हमको ब्लर रखना है, तो सिंपली बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर देना होगा। देख सकते हो गाइज, हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। सो गाइज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे हम एक बार डन करेंगे, तो एक ही बार डन करना होगा आपको भी एंड यहाँ से गाइज ब्लर को हल्का सा कम कर देना होगा एंड यहाँ से कर देना होगा डन। सो देख सकते हो गाइज, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से ब्लर हो चुका है गाइज बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइज यहाँ से हम फोटो को ऐड करेंगे पीएनजी वगैरह को, तो एक PNG मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो ये वाला PNG आपको इस तरह से पकड़ के बड़ा कर लेना है एंड चौड़ा कर लेना है एंड इसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद नीचे की ओर साइड
स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ आपको ब्लेंड का ऑप्शन दिखेगा, ब्लेंड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस यहाँ से सॉरी इसको आपको स्किन करना होगा, तो यहाँ पे आपको स्किन का ऑप्शन दिखेगा, तो समझिए हम इसे एडजस्ट कर ले तो नहीं पा। एंड यहाँ से स्किन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हो ओके इफेक्ट आ चुका है अपने कपड़ों पर। सो गाइस हम इसे इरेज कर देंगे क्योंकि हमारा कपड़ों पर आ चुका है, तो कपड़ों पर वाला इरेज कर देना, बैकग्राउंड वाला रहने देना है। सिंपली आपको यहाँ से इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस ब्रश साइज को सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड गाइस जो हमारा कपड़ों पर आया हुआ है फेस पे उसको आपको इरेज कर देना होगा। इरेज करने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन। सो कर लेते हैं यहाँ से हम डन एक बार, तो कर लेते हैं डन। देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड में बॉकी इफेक्ट जैसा लग रहा है, तो यहाँ से एक बार डन करेंगे एंड फिर से कर देंगे डन। सो देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छे से हो चुका है हमारा, तो हम स्टिकर लगाएंगे टैटू। तो सिंपली आपको स्टिकर ऑप्शन पे जाना होगा, जैसे रोज टैटू सर्च करना होगा, जो भी आप टैटू लगाना चाहते हो टैटू सर्च कर लीजिएगा। सो यहाँ पे हम ये वाला टैटू लगाते हैं, तो इसको हम लाते हैं यहाँ पे एंड छोटा करके इस तरह से एडजस्ट करते हैं। एंड एडजस्ट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, कम करने के बाद देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। थोड़ा सा हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे डन। सो देख सकते हो गाइस बहुत ही आसानी से हमारा टैटू भी सेट हो चुका है, तो बहुत ही आसान से हमारा टैटू लग जाएगा गाइस। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हमारा गैलरी में हो जाएगा सेव। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।